नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते एक अहम खबर के साथ। यूपी चुनाव में हार के बाद अब अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि वो अब लखनऊ में रहकर सियासत करेंगे। इसलिए अखिलेश यादव और आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो रामपुर सदर सीट से विधायक रहेंगे। अब अखिलेश यादव लखनऊ से ही रहकर सियासत करेंगे। अखिलेश यादव और आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है और अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? और देखा जाए तो करहल से चुनाव जीतने के बाद भी ये जो फैसला अखिलेश यादव का है, ये कितना उनके लिए सही साबित हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को पुख्ता करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इस बीच वो लोकसभा के से जीत कर सदन में अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि 2022 का चुनाव वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए और सांसद रहते हुए जीत जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, उस पर जनता ने पानी फेर दिया। यानी जनता उस तरीके से समाजवादी पार्टी को गंभीरता से नहीं लिया और विपक्ष ने भी लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि जब जनता कोरोना के दौरान परेशान थी तो अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़े और तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव सड़क पर नहीं उतरे। और अगर बात की जाए विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, तो समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दों को ठीक से उठा नहीं सके। दूसरी कमजोरी समाजवादी पार्टी की संगठन को लेकर देखी गई, अगर प्रत्याशी उनका बदल गया तो संगठन कमजोर नजर आया। इसी के बाद से लगातार ये मंथन चल रहा था और कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अब क्या करेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर जाहिर कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके लिए अहम होगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि लोकसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और किस तरीके से जनता के मुद्दे को उठाएंगे। एक आरोप बड़ा अखिलेश यादव पर ये भी लगता रहा है कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ट्वीट करते हैं और धरातल पर ये कहीं नहीं जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव को मंत्र दिया है कि उत्तर प्रदेश को फोकस करो और लोगों की डिमांड भी रही है, तो इसके पीछे यही इनकी साफ तौर पर रणनीति है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर के सरकार को घेरा जाए और विपक्ष की आवाज़ को मजबूत किया जाए, जिससे एक मौजूदगी लगातार उनकी उत्तर प्रदेश में बनी रहे। बिल्कुल नरेंद्र, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैनपुरी से अवनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, मैनपुरी से अवनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीत, अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, ये जो फैसला है ये किस दिशा की ओर जा रहा है? यहाँ पर अब तो बीजेपी को भी मौका मिल गया है सपा को एक बार फिर से, सपा पर जो हमले, जो जुबानी हमले बीजेपी की ओर से होते थे, एक बार फिर उन्होंने इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक मौका दे दिया है। बता दें, मैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि विधानसभा के विपक्ष के नेता भी बनेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अभी तक बात चल रही थी शिवपाल सिंह यादव के बनने की, लेकिन अब वो खुद ही विधानसभा के विपक्ष के नेता बनेंगे। करहल से भी विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे वे अखिलेश यादव, और विधानसभा में जो आजमगढ़ से आज इस्तीफा दिया है लोकसभा सदस्यता का, उसमें राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं इसी वजह से चलते। जी बिल्कुल अवनीत, राजनीतिक सरगर्मियां तो बढ़ी गई हैं, साथ ही साथ बीजेपी को भी एक और मौका मिल गया है यहां पर सपा को फिर से घेरने का, क्योंकि अब तक तो जो जुबानी वार हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखे उसमें बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा सपा को घेरने का, या सपा ने कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन यहां पर जो इस्तीफा दे दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से, यहां तो वो फिर से बीजेपी को मौका दे रहे हैं। बात करें इसमें बीजेपी को मौका क्या,
इन लोगों की हालत बड़ी खराब हो गई है, इसी वजह से इसी के चलते ये मौका इन लोगों को मिला है। जी बिल्कुल अवनीत। नरेंद्र, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। ये जो इस्तीफा दे दिया गया है, अब लखनऊ की सियासत को किस तरह से अखिलेश यादव चलाने वाले हैं, क्या कुछ उनके फैसले होने वाले, क्योंकि अब तो वो लखनऊ से ही अपना जो भी राजनीतिक सफर है वो यहाँ पर वो चलाएंगे, तो क्या कुछ आगे उनके फैसले होने वाले हैं? देखिए, अगर थोड़ा पीछे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में एक दौर ऐसा आया था कि एक बड़ा मुद्दा ये भी बन गया था कि सीएम की दावेदारी को लेकर के अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के दो चेहरे सामने थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने थी, वहीं दो चेहरों की भी बात हो रही थी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। अगर अखिलेश यादव लोकसभा में बैठते, वहां का प्रतिनिधित्व करते, तो यहां पर निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ और मजबूत होते। योगी भी पहली बार विधायक बने हैं और वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को भी एक मजबूत नेता की ज़रूरत थी जो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश की आवाज़ उठाए। प्रियंका गांधी वाड्रा कई बार आई हैं, यूपी में कई घटनाओं में उन्होंने मुद्दा बनाया है और जनता के साथ खड़ी रही हैं, तब भी सपा के ऊपर हमलावर बोला गया है, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से। ये राजनीति है, इसमें जो मुद्दे बनते हैं, जो जनता के सामने बातें आती हैं, उसको देखकर चलना पड़ता है। इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव ने केवल अब यूपी को चुना है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे और विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव होंगे और समाजवादी पार्टी होगी। दो ही पार्टियां अब आमने सामने होंगी, जैसा कि चुनाव में भी दिखाई पड़ा था। कहीं समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे ना जाए, कहीं कमजोर ना हो, इसके चलते अखिलेश यादव को जरूरी था कि उत्तर प्रदेश की कमान संभाले। बहुत सोच समझकर पूरी रणनीतिक तैयारी के साथ अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया है। हालांकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में भी जुटने की बात की है, लेकिन अखिलेश यादव के लोकसभा छोड़ने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वो दावेदारी जो लोकसभा में अब तक की जा रही है कि ज़्यादा सीटें जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसका संगठन जरूर कुछ ना कुछ मजबूती हासिल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।